अब तक अवैध खनन और खनिज संपदा की चोरी के मामले सामने आते थे, अब खनिज निकासी गेट से कंप्यूटर उपकरण चोरी होने का मामला सामने आया है, जिस कारण खनिज निकासी का काम घंटों तक बाधित रहा। लालकुआ उपखनिज खनन निकासी गेट पर अज्ञात चोरों ने कांटों पर लगे कंप्यूटर के उपकरणों पर हाथ साफ करते हुए 3 कीबोर्ड और 2 इंडिकेटर चोरी कर लिए, जिससे खनन निकासी गेट 2 घंटे बाधित रहा, जिससे सैकड़ों वाहनों की लंबी कतारें लग गई। लालकुआ उपखनिज खनन निकासी गेट पर विभागीय लापरवाही के कारण CCTV कैमरे नहीं लगाए गए, कांटे पर कोई चौकीदार भी मौजूद नहीं रहता, इससे चोरों के हौसले बुलंद हैं। गाड़ी अंदर भेजना और निकासी करना, ये ऐसे कांटे वाला होगा तो उनकी तरफ से पहली होती जाएगी कि हमारे उपकरण चोरी हो गए। ये जब आंदोलन करा था 2-3 महीने, तब भी कैमरे के द्वारा और ये कांटे के द्वारा खनन होगा करके इन्होंने सर कहा था कि लगाएंगे, सरकार ने अभी तक तो कांटे लगे नहीं। आज हम रात भर यहाँ गाड़ी लेके खड़े हैं और यहाँ सुबह पता चलता है कि कांटे में चोरी हो गई है, कैमरे लगे होते तो वो चोरी नहीं होती, पता चलता किसने करी, और अभी तक कोई विभाग वाला आने को तैयार नहीं है। एलम साहब को भी किसी ने फ़ोन नहीं करा, इंचार्ज ने भी नहीं, और ना रेंजर साहब को, अभी कोई अधिकारी यहाँ सक्षम है ही नहीं, अभी कोई इसका कांटे का देख रेख करने वाला कोई मालिक ही नहीं है यहाँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।